हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। जो टॉपिक है वो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसको जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर हम लोग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इस परस्पेक्टिव से देखें, इस परस्पेक्टिव से सोचें तो। अब ये जो यूज़र है, ये जो ह्यूमन है, मैंने क्या बोला था, ऐसा एक इंटरफेस जो कि ह्यूमन को एफर्ट कम लगाए और कंफर्ट ज़्यादा दे, उस रिस्पेक्टिव इंटरफेस को हम कहते हैं बेस्ट इंटरफेस, जहाँ पे एफर्ट कम और कंफर्ट ज़्यादा हमारे यूज़र को मिल रहा है, बराबर। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है जो कि यूज़र बहुत पसंद करता है, वो कौन सी चीज़ है कि भैया काम जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए। तो जल्दी और आसानी अगर ये आपको चाहिए तो कीबोर्ड एक्सेलरेटर आपको समझना पड़ेगा। तो आप इसे कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स बोलो या खाली एक्सेलरेटर्स बोलो या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स बोलो, जो भी बोलना है वो बोलो, यहाँ पे आप वो यूज़ कर रहे हो ताकि आपका काम फास्ट हो, क्विकली हो और बड़े आसानी से हो, ओके? तो यहाँ पे आप कैसे होता है, सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो एप्लीकेशंस हैं, कई सारे एप्लीकेशंस, उसमें आपको कुछ ऐसे मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे, बराबर। ऐसे मेन्यू देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे आपके ऑप्शंस होंगे, जिन्हें हम मेन्यू आइटम्स कहते हैं, बराबर। तो उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है और फिर बाकी की फंक्शनलिटी जो है वो आप कैरी आउट कर सकते हो आगे। लेकिन फिलहाल तो जब आप मेन्यू पे होते हो, मेन्यू के आइटम्स को आप देख रहे होते हो, आपका कर्सर उन मेन्यू की तरफ बढ़ रहा है, उसी वक्त आपकी नज़र जाती है इस राइट साइड वाले पोर्शन पे। राइट साइड वाले पोर्शन पे क्या होते हैं, कुछ रिस्पेक्टिव कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स यहाँ पे मेंशनड होते हैं फॉर परफॉर्मिंग दैट रिस्पेक्टिव आइटम, दैट इज मेन्यू आइटम, बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, एक नमूना है, फाइंड और राइट साइड में F3 लिखा हुआ है। तो भाई अगर आप ऐसा F3 दबाते हो तो आपको सेम फंक्शनलिटी मिलने वाली है। आई होप यू आर गेटिंग द सेम थिंग, यू नो। तो आप चाहे उसके कीबोर्ड से करो या फिर क्लिक करो, यू आर गोइंग टू अराइव एट द सेम डेस्टिनेशन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बराबर है। लेकिन भाई कुछ बातें याद रखनी है इसमें, कौन सी बातें, कि आपने मेन्यू ओपन रखा है और आप F3 दबा रहे हो, भाई कुछ नहीं होने वाला, F3 दबाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिस्पेक्टिव मेन्यू को क्लोज करना पड़ेगा। एक बार आपने देख लिया फाइंड F3, दिमाग में आ गया F3, मेन्यू को क्लोज करो, F3 को प्रेस करो, यू विल गेट द सेम फंक्शनलिटी, आई होप यू आर गेटिंग। लेकिन अगर आप हो ही बड़े जिद्दी और आप चाहते हो कि भाई ये जो मेन्यू है ये मेरे को डिस्प्लेड फॉर्म में ही चाहिए और फिर मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा, तो कौन सा प्रेस करोगे, F3 नहीं, आपको खाली FB अगर आप प्रेस कर दो तो आपको जो फंक्शनलिटी वो रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बात सही है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर रिस्पेक्टिवली बताना चाहता हूँ कि जो यूज़र होता है वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, ओके? एक एक्सपर्ट यूज़र होते हैं और एक नए नवेले यूज़र्स होते हैं, बराबर। अब ये जो नए नवेले यूज़र्स हैं उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, बिकॉज ये चीज़ें थोड़ी सीखनी पड़ती है, ओके? कि भाई अगर मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे कोई टेक्स्ट कॉपी करना होता है अपने विंडोज़ में, अगर कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो आप क्या करते हो, पहले तो उस टेक्स्ट को ऑब्वियसली सिलेक्ट करोगे, बराबर, जिसे कॉपी करना है, फिर राइट क्लिक करते हो और फिर उसके बाद उस मेन्यू के जो ऑप्शन है उसमें फिर कॉपी का बटन क्लिक करते हो, एंड देन दिस गेट टेक्स्ट कॉपीड ऑन द कीबोर्ड, और फिर बाद में आप उसे कहीं तो पेस्ट करते हो, बात सही है, यहाँ तक ये अपना प्रोसीजर है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये क्विक नहीं है, ये फास्ट नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करो, Ctrl+C प्रेस करो, बात खत्म, बात समझ में आ रही क्या। तो इसमें दोनों चीज़ आप अचीव कर पा रहे हो, वेरी इजी, आपको कीबोर्ड से अपना हाथ नहीं हटाना पड़ रहा, वहीं पे वही काम हो रहा है, और दूसरी चीज़ बड़ा फास्ट है। सो क्विक एंड ईजी जो चीज़ें हैं आपको कीबोर्ड एक्सेलरेटर जो है प्रोवाइड करते हैं। अभी इसके लिए जो इनिशियल जो यूज़र्स होते हैं इन्हें थोड़ी तकलीफ होगी, उन्हें ऑब्वियसली मेन्यू में जाना पड़ेगा, ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन जब ये ऐसे फैमिलियर हो जाएंगे बार बार वो चीज़ों से, तो उनकी नज़र राइट हैंड साइड पे भी पड़ेगी, शॉर्टकट्स पे भी पड़ेगी, और फिर वो उन्हें यूज़ करेंगे। एक्सपर्ट्स को तो ये आता ही होगा ऑब्वियसली, उन्हें ये पता ही होगा, लेकिन नए यूज़र्स जो हमारे इनिशियल नए नवेले यूज़र्स जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम लग सकता है टू कोप अप, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट एंड यू आर गेटिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो भाई लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।